सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु तीन भुवन में सातराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग चढ़ावा। उसकी दूसरी डाल पर अपनी चर्चा चल रही है अत्यंत महत्वपूर्ण जिसके कारण कि हम दुखी है उन कारणों का वर्णन दूसरी डाल में बताया। मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत के कारण हम दुखी है उन मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत का वर्णन यहाँ चल रहा है। उसमें अग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत बताया गया सात तत्व की भूल ही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। उसमें जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का प्रकरण अपना चल रहा है। कल अपन ने इस बात पे छोड़ा था कि जीव अपने को क्या क्या मानता है, क्या क्या इसकी भूलें हैं। हम अपने को इस रूप में यदि मानते हैं तो समझना ये हमारी भूलें हैं। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं सुखी दुखी, अब इसमें गलत है क्या? कुछ अपने आप को सुखी दुखी मानना गलत है क्या? बता, अपने को सुखी दुखी मानने में क्या दिक्कत? बल्कि बंदो बात भी कहते हैं क्या, अरे भैया वो बहुत सुखी लोग हैं क्या? लोग ऐसी बातचीत के अंदर इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, किसी लड़की के लड़के से शादी करनी हो तो उस घर का पूछते हैं सुखी घर है कि नहीं है। सुखी का क्या मतलब होता है मालूम उनका? हाँ, सुखी है वो, असली सुख की कोई बात नहीं है। सुख का मतलब है कि पांच इंद्री के विषय भोग है कि नहीं है। जब पंचेंद्री के विषय भोग भोगे है वो सुखी क्या? और पंचेंद्री के विषय भोग नहीं मिले वो दुखी। माने विषयों के होने से अपने को सुखी मानना और विषय नहीं होने से दुखी मानना, दवाई नहीं मिलने से दुखी मानना और दवाई मिलने से सुखी मानना, ये गड़बड़ है कि नहीं है? गड़बड़ क्यों है ये गड़बड़ क्यों है? दवाई नहीं मिले तो दुखी, दवाई मिल जाए तो सुखी, इसमें गड़बड़ क्या है? हाँ, दुखी तो रोग रूप अवस्था में मानना था, जिसको रोग है वो दुखी है, चाहे उसको दवाई मिले चाहे नहीं मिले वो दुखी है। लेकिन हमने रोगी को दुखी नहीं माना है, हमने दवाई नहीं मिलने को दुख मान रखा। असली रोग पे हमारा प्रहार नहीं है क्या? हमारी दृष्टि नहीं जाती वहां तक कि असली बीमारी क्या है। हम ऊपर ही ऊपर उसका निदान करते हैं और असली कारण को खोज नहीं पाते। अरे जब तक पांच इंद्री के विषयों में रहती है तब तक तो दुखी है, चाहे मिले चाहे नहीं मिले क्या? जिनकी विषयों में रहती है वे दुखी है। पांच इंद्री के विषय में रहती दुख का कारण है। और ये क्या मानता है कि पांच इंद्री के विषय नहीं मिलने से मैं दुखी हूँ और विषय मिल जाए तो मैं सुखी हूँ। जबकि आचार्य देव कहते हैं कि विषय मिल भी जाते हैं लेकिन जो जो विषय मिलते हैं त्यो त्यो तृष्णा और बढ़ती जाती है। जो जो भोग संजोग मनोहर मनोवांछित जन पावे तो तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, तृष्णा और बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि ये विषय भोग की सामग्री मिल जाए तो अपनी तृप्ति हो जाए और खत्म, कि आज अपने सारे विषय भोग से तृप्ति हो गई अब हमें कुछ भोगने को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। आशा और बढ़ती जाती है, बल्कि पुण्य के उदय वालों को आशा ज्यादा बढ़ती है, पाप के उदय वालों को नहीं बढ़ती। पुण्य के उदय में तृष्णा रूपी विषवृक्ष अच्छा फलता फूलता है। पुण्य का उदय तृष्णा रूपी विषवृक्ष का अंकुर है। पुण्य का उदय जो है ना वो बीज है काय का? तृष्णा रूपी विषवृक्ष का। क्योंकि पाप के उदय को तृष्णा नहीं बढ़ती। पाप का उदय वाला जीव तो एक काम हो जाए उसका तो उसमें भी उसको डर लगता है, जरूर कुछ ना कुछ अभी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी क्या? मेरे काम सक्सेसफुल हो जाए ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आगे पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी होनी, तो वो डरता है एक काम भी सही होने में। और पुण्य के उदय वाले को एक एक जो जो काम सफल होते जाते हैं त्यों उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। वो असफलता आ कैसे जाए क्या? क्या नहीं कर सकते अपन? एक काम सफल होता है दूसरा बढ़ाता है, दूसरा सफल होता है तीसरा चौगुना, दिन दूना रात चौगुना जो है वो उसको तृष्णा को बढ़ाता रहता है और तृष्णा को बढ़ा बढ़ा के तृप्त नहीं होता। जैसे जोक मरते दम तक
जो है अपने तृष्णा के दुख को भोगती है और तृष्णा के दुख को भोगती हुई मर जाती है, उसी प्रकार देव पर्यंत तक के जीव वे विषयों की तृष्णा के दुख को भोगते हैं और मरते दम तक उसको छोड़ नहीं पाते। अरे जिनकी उदित तृष्णा है दुख से संतप्त वे, हे दुखी फिर भी आम रण वे विषय सुख ही चाहते। अरे जिनकी उदित तृष्णा, जिनकी तृष्णा उदित है, हे दुख से संतप्त वे दुख से संतप्त है, हे दुखी फिर भी आम रण मरते पर्यंत तक वो किसको चाहते हैं? विषय सुखों को चाहते हैं। विषयों की तृष्णा से दुखी है फिर भी मरते दम तक विषय नहीं छूटते, मरते पर्यंत तक मौत तक उनको क्या चाहिए? विषय चाहिए। जैसे जोग को, जोग की तृष्णा तब मिटती है जब वो मरती है, मरते पर्यंत तक, मरण पर्यंत तक वो तृष्णा के दुख को भोगती है, ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य मरण पर्यंत तृष्णा के दुख को भोगता है और अपने को सुखी मानता है। ये भूल है, दुख भोगता है और उसको सुख मानता है, दुख को सुख मानता है। इंद्रिय विषय होने से सुखी, इंद्रिय विषय नहीं होने से दुखी। अरे आत्मिक आनंद से सुखी है और आत्मिक आनंद नहीं हो तो दुखी है। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, अपन रंक राजा है, पैसे होने से राजा और पैसा नहीं हो तो रंक क्यों? अपन ने अपना नाप कैसे कर रखा है, अपनी तरक्की कैसे मान रखी है? पैसे के होने से, पैसा नहीं हो तो अपनी अवनति है और पैसा हो जाए तो तरक्की है। आज राजा है और कल रंक हो सकता है, और आज रंक के कल राजा हो सकता है, कोई ठिकाना तो ही नहीं इसका। आज करोड़पति कल करोड़पति, ये अपना स्वरूप नहीं है, धन अपना नहीं है। धन के मिलने में अपनी बुद्धि, अपना पुरुषार्थ वास्तविक कारण ये नहीं है। धन के मिलने में पूर्ण पुण्य का उदय है, और ये उदय जो है ये कब तक रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। क्या अपनी गाड़ी कब तक चल रही है? जब तक उसमें पेट्रोल है। और ये तुमको दी किसने? तुम सोच रहे हो कि मैं अपनी बुद्धि से लेके आया हूं? क्या मैंने अपने पुरुषार्थ से कमाया है? तो बहुत बड़े भ्रम में हो। ये कर्म रूपी जेलर ने ये सब सामग्री दी है। क्या तुमने कितनी बुद्धि लगाई कि जिससे तुम मनुष्य बन गए? तुमने कौन सी बुद्धि लगाई कि तुमने अपने माँ बाप सिलेक्ट किए कि ये माँ ऐसी होनी चाहिए? जन्म लेने के पहले अपनी माँ डिजाइन की हो अपन ने, एक पेंटिंग से अपने पेंट बहुत अच्छी आती थी पेंटिंग, तो अपने डिजाइन की हो माँ, ये माँ बढ़िया है, क्या थोड़ी पढ़ी लिखी भी है, दिखने में भी ठीक ठाक है, और ये पिताजी अच्छे हैं, ये बढ़िया, क्या ये नगर अच्छा है, ये गाँव अच्छा है, ये परिवार वाले अच्छे हैं, ये कुल अच्छा है, और ये शरीर भी अपने डिजाइन किया हो कि भाई ये शरीर अच्छा है। अपन ने क्या डिजाइन किया? 99% चीज तो तुम्हारे को अपने उदय से जो मिली उसको तुमने स्वीकार कर लिया। 99% काम था तुम्हारा जन्म लेते ही सिद्ध हो गया। तुम वैश्य के कुल में पैदा हुए तो वैश्य के काम करोगे, 19-20 होगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जन्मते समय तुम्हारा 99% भविष्य तय हो गया कि तुम अपने जीवन में क्या करोगे। क्या कोई 2 रुपए ज्यादा कमा लेगा, कोई 2 रुपए कम कमाएगा, बाकी ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। और ज्यादा कमा भी लेगा तो रहना उसको उतनी जगह में, क्षेत्र उतना ही मिलना है उसको। क्या वो शहर में आ जाएगा तो ही 2 कमरे, और वहां रहेगा तो ही 2 कमरे, अंतर क्या पड़ा? कोई विशेष अंतर कुछ नहीं पड़ा। वहां अपने को कहीं इधर उधर जाने के लिए कोई इतनी दूर चीजें होती नहीं है कि उसके जाने के लिए अपने को गाड़ी घोड़ा खरीदने पड़े। अपने पांव ही अपना गाड़ी घोड़ा है। क्या भैया अपने को मजबूरी हो गई तो मजबूरी का इलाज अपने गाड़ी निकाल लिया। क्या बड़ी क्या तरक्की क्या हुई मेरे को, ये तो कोई समझाए कि क्या तरक्की हुई? आदमी कहता है मेरी तरक्की हुई, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि तरक्की क्या हुई। अरे जब तुमने दूर दूर चीजें रख ली तो तुमको और पराधीन हो गए, तुमको साधनों की जरूरत पड़ने लगी। जब आसपास ये सब चीजें थी तो तुम्हें कोई चीज की जरूरत नहीं। क्या इसमें रत्नकरण शावकाचार्य ने लिखा है कि अपना घर ऐसी जगह होना चाहिए कि इधर अपन ने तेल गर्म किया और जीरा चाहिए तो अपन को, यदि जीरा अपने घर में भी नहीं हो तो तत्काल जीरा खरीद ले और उसके अंदर छोड़ दे। मतलब हर चीज अपने को मिल जाए तो ताजी मिलेगी ना, और नहीं तो दूर दूर होएगा। क्यों क्या करेगा कि ये सारे मसाले ले आएगा और महीने भर तक उसको चलाएगा और क्या करेगा? शास्त्र में लिखा सदाशिव दास जी ने कि अपना घर ऐसी जगह हो जहां परचून की दुकान आसपास ही हो,
सब चीजें ताजी मिल जाए, क्या ताजी चीजें मिलेगी तो ताजा मसाला पीसेगा, और चीजें ही नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, पिसा पिसाया सब लेके आ जाएगा, मिर्ची पिसी ताजा मिसी सब नकली। किसी के घर जाने में अपने को डर लगता है कि पता नहीं क्या खिला देगा ये अपने को, इसका आटा कब का, बेसन कब का, क्या पंडित जी सब शुद्ध है, तेरे घर कौन ने देखा कि शुद्ध है कि क्या है क्या। हम हमारे घरों के वहां हमारे मामा मामा क्या, तो फिर भी हम उनको जानते हैं तो उनसे तो हम परहेज कर सकते हैं, लेकिन इनको किसको जानते हैं कि किसके घर की क्या व्यवस्था है, क्या कौन शुद्धि को पालता है कौन शुद्धि को नहीं पालता है, किसके घर में महिलाएं कब खाना बना रही है कब नहीं बना रही है, क्या है कुछ नहीं पता क्या। हम तो आग मीच के भरोसा कर रहे हैं, क्या करें आप लोगों के भरोसे है जो कर रहे हैं क्या। लेकिन बताओ आप कि हमने क्या की है तरक्की के नाम पे, हमने क्या तरक्की कर ली है, हमने बीमारियां इकट्ठा की है और बीमारियों की केवल दवाइयां इकट्ठी कर करके हमने माना है कि हम बहुत सुखी हो गए हम राजा हो गए हैं, लेकिन वास्तव में अरे जितने विषय भोग एक गांव का आदमी जितनी निराकुलता से रहता है मेरे को तो उतना निराकुल शहर का आदमी दिखता क्या। उसको कहो कि तीर्थ यात्रा चलना है तो तैयार है, और यहाँ के आदमी को भैया छुट्टी की सवाल है, छुट्टी इतनी बड़ी चीज है क्या। मैं एक बार दमोह में गया था तो मैंने वहां दोपहर को ऐसे ही उन लोगों ने कहा कि दोपहर को एक क्लास रख दो, मैंने मना किया दोपहर कौन आएगा क्या, और देखा तो मेरे को हमारे इंदौर में सुबह शाम 10 लक्षण में जितनी भीड़ नहीं दिखी उतनी दोपहर को भीड़ दिखी, मेरा टाइम था नहीं खेल, एक दिन के लिए वही रुके थे जरा सी देर के लिए, पर मैंने कहा कि भैया ये जगह है जाने की क्या, क्या हमारे को जाकर हमारे ग्राहक मिल जाए, सब निश्चिंत और निराकुल बिना पॉल्यूशन के दिनों में, और यहाँ पॉल्यूशन के दिन में अपनी स्थिति है क्या करें साहब, इतनी दूर दूर रहते हैं कि गाड़ियां ही जो है अपने को रास्ता ही देती है क्या करें, अपन ने भी एक घोड़ा खरीद लिया उसने भी घोड़ा खरीद लिया, इतने बड़े घोड़े में आदमी देखो तो एक ही क्या जगह है नहीं, और घोड़े सब ले आए, वस्तुतः विचार किया जाए तो ये हमारा जो जीवन है इतना प्रदर्शन और प्रसिद्धि में जा रहा है कि इसमें हमारा सुख भी खो गया है, जिस संसारिक सुख की भी अपन बात करें तो वो भी कहाँ है, वो भी निराकुलता हो तो हो लेकिन वो निराकुलता भी आज अपने जीवन में कहाँ है, आकुलता ही आकुलता को अपन भोग रहे हैं क्या। केने को राजा है लेकिन वास्तव में रंक है क्या, वो गांव के खेती करने वाले कृषक के पास जमीन तो है कम से कम, वो खुली छत के नीचे सो सकता है क्या, अच्छा बड़ा उसका रसोई घर हो सकता है ऐसा बाथरूम हो कि क्रिकेट का मैदान हो, लेकिन हमको वो भी क्या नसीब है, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को राजा मान रखा है। तो कहते हैं कि धन के संयोग से अपने को बड़ा मानना और धन के नहीं होने से अपने को छोटा मानना ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि हमने अपना नाप पर वस्तुओं से किया है, अपना नाप अपने आत्मिक गुणों से नहीं किया। मैं रंक रहा और मेरे धन मेरे घर क्या, अब तेरा धन और तेरा घर है, उस घर के अंदर बिल्ली आ जाती ना और बिल्ली को अपन भगाना की कोशिश करते हैं और बिल्ली अपने को आंखें दिखाती, ये तो मेरी जगह तुम होते कौन हो यहाँ, छिपकली चूहे कसारी चीटियां ये सब अपना घर मानती है, उसमें रहने वाला एक एक बच्चा अपना घर मानता है, अब वो घर से पूछो कि ये किसका है तो वो घर कहता है कि यहाँ पे सैकड़ों चले गए आए और चले गए, मैं किसी का नहीं हुआ क्या, मैंने कितनों को ही निकाल दिया, लोगों सोचते रहे कि हमने घर निकाला, उन्होंने घर नहीं निकाला, घर कहता है मैंने सबको निकाल दिया क्या, मैं किसी का नहीं हुआ, ईट चूना पत्थर किसका हुआ, वो जगह किसकी हुई, आकाश किसका हुआ, अब तो अपने पास जगह भी कहाँ है, अपन तो आकाश के क्षेत्र में रहते हैं। तो कहते हैं ना हमारा वो घर है, हमारा घर हम ये मानते हैं कि हम घर वाले हैं, हमारा घर खुद का घर है, तो कहते हैं भूल है क्या, हमारा निज घर तो असंख्यात प्रदेश है, अपने गुण अपना घर है, और ये घर जिसको अपन ने मान रखा है कि हमारा घर है
ये भूल है, मेरे धन, मेरा धन और मेरा मकान और मेरे गोधन। गोधन क्या चीज है बेटा? गोधन गाय बैल भैंस पहले वगैरह रखते थे, उसको कहते थे गाय वगैरह रखते थे ना, गाय रखते थे भैंस रखते थे, वो उनका धन होता था। क्या जो चीज की जरूरत है वो रख लेते थे, जीव धन होता था। क्या दूध चाहिए, गाय है, बैल चाहिए, बैल गाय है, भैंस है, कहीं इधर से उधर जाना है तो बैलगाड़ी है, घोड़ा है, और ज्यादा हुआ दो, इसलिए परिग्रह में भी दो नाम दिए उन्होंने, द्विपद चतुष्पद। द्विपद माने जिसके दो पांव है, दास दासी, और चतुष्पद माने ये चार पेल चार पे पांव वाले जानवर। यही उनका जो है परिग्रह होता था। अब अपने द्विपद चतुष्पद बदल गए, द्विपद हो गए अपने टू व्हीलर और चतुष्पद हो गए फोर व्हीलर। क्या ये चीजें हो गई अपने परिग्रह के नाम पे। और मेरा प्रभाव है, मेरा क्या खूब प्रभाव है, मैं जब जाता हूं तो 10 जने मेरे को सलाम ठोकते हैं, और जो उसका आनंद आता है साहब क्या बताएं। क्या चार जने जब अपने अंडर में काम करते हैं, जरा उनपे थोड़ा हुक्म चलाते हैं, उसका मजा वो कोई अलग ही है। कह रहे हैं ये कि ये जो अपना प्रभाव मान रखा है कि ये तेरा प्रभाव है, वस्तुतः ये प्रभाव नहीं है। क्या? क्योंकि ये प्रभाव कितने दिन का है, तेरा तो अपना अनंत चतुष्टय है, वो तेरा प्रभाव है। क्या जिनेंद्र भगवान का जो प्रभाव है, क्या वो प्रभाव सामान्य व्यक्ति का है? क्या प्रभाव है तुम्हारा? अभी तुम जिसके ऊपर हुक्म चला रहे हो वो तुमको किसी और का हुक्म मानना पड़ता है। तुम कौन से इतने स्वाधीन हो कि तुम्हारे को किसी का हुक्म नहीं मानना पड़े? तुम भी तो पराधीन हो। और ये प्रभाव भी क्षण भंगुर है कि सतत है, बताओ ये किसके उदय से मिला है प्रभाव? ये भी कर्म के उदय से। और अपन कर्म के उदय को क्या मानता हूं? जेलर। ये शरीर क्या है अपना? ये शरीर कारागृह है, तन कारागृह। और ये शरीर रूपी कारागृह किसने दिया है? नाम कर्म रूपी जेलर ने, नाम कर्म रूपी जेलर ने ये शरीर रूपी कारागृह दिया है। और ये जितना जो कुछ भी तुम उनको माल मसाला मिल रहा है वो तुम्हारी इच्छा से नहीं मिल रहा है, ये सारा जेलर की इच्छा से मिल रहा है। और ये जेलर की कब जब तक इच्छा है तब तक तुमको माल दे रखा है, काम अच्छा कर रहे हो तो माल अच्छा मिल रहा है। जिस दिन थोड़ा काम कम हुआ, माने तुम्हारा उदय कम हुआ, माल का मतलब यहाँ क्या है, काम का मतलब क्या है, तुम्हारे पुण्य रूपी पुण्य के भाव शुभ भाव वो तुम्हारी मेहनत मजदूरी है। और जब तक वो मेहनत मजदूरी है तब तक उसका माल मिल रहा है, जब उसकी मेहनत मजदूरी गई तो वो काम गया और वो सारा माल जो है वो छीन लेने वाला है। ये तुम्हारी इच्छा से नहीं मिल रहा है, किसकी इच्छा से मिल रहा है? जेलर की इच्छा से मिल रहा है। कौन है जेलर यहाँ? कर्म रूपी जेलर, उसने ये सारी सामग्री दी है और वो कर्म रूपी जेलर की इच्छा से है, और जब तक उसकी इच्छा है तब तक मिल रहा है, और जब इच्छा खत्म सारी सामग्री मिलना बंद हो जाएगी। लेकिन आश्चर्य है कि इसको जेल अच्छी लगने लग गई, ये जो कर्म रूपी जेलर ने इसको शरीर रूपी जेल दी है तो इसको ये अच्छी लगने लग, भागे इसको ये जेल। बोलता तो है वैराग्य की भावना में, तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, लेकिन लगता ही है शरीर कारागृह लगता है, अपनी ऐसी स्थिति है जैसे किसी कैदी को 5-स्टार होटल के अंदर 2 दिन रहने दिया जाए और तीसरे दिन उसकी छुट्टी हो और वो कहे कि क्या घर जाने की जरूरत क्या है, इतना बढ़िया खाना, इतनी बढ़िया व्यवस्था, कितने अच्छे बाथरूम थे, हम इतने अच्छे तो घर में ही नहीं है ऐसे बाथरूम, गजब हो गया, ये बाथरूम में ही लुभा गया और ये लेने को तैयार हो गया, घर वाले लेने को आए और ये कह रहा है कि मैं तो यही अच्छा हूं। तो उसको एक आदमी ने समझाया कि ये तो 5 दिन के लिए तेरे को इसलिए 5-स्टार होटल दी ताकि आखिरी में कोई आदमी जाता है तो अच्छा भला मान के जाए, बाकी तू यहीं रहने लग जाएगा तो अभी तेरे को वहीं भेज देंगे। ये जो जेल मिली है अच्छी बढ़िया वाली, ये कोई सदा काल के लिए नहीं मिली, वो काम चल रहा होगा वहां पे क्या, और थोड़े अच्छे किस्म का तू कैदी होएगा। कभी कभी कोई कैदी भी VIP आ जाते है ना, हाँ एक क्लास का, तो उनको तिहाड़ जेल भेजते हैं, उनके लिए छोटी मोटी जेल नहीं होती, जेल भी बढ़िया होती है।
क्या, लेकिन वो जो कैदी होते हैं वो समझते हैं कि आखिर है तो ये भी क्या जेल, और उनको लंच मात्र भी उसमें प्रीति नहीं होती। किसी प्रधानमंत्री को आप तिहाड़ जेल में भेज दो, किसी मंत्री को तिहाड़ जेल में भेज दो, वो ये नहीं कहेगा कि हम यही अच्छे हैं अपन तो क्या। लेकिन इस मनुष्य की पता नहीं क्या विचित्रता हो गई, जरा सा मनुष्य देह अच्छा मिला, थोड़ा शरीर अच्छा मिल गया तो ये कहता है मैं तो यही अच्छा हूँ, कहाँ इससे निकलना, क्या मैं तो यही मनुष्य हूँ, बढ़िया है सब व्यवस्था है अच्छी खासी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहाँ मोक्ष मोक्ष का उपाय करना, क्यों शरीर से छूटना। इसलिए उन्होंने कहा तन तो कारागृह है, और ये पत्नी क्या है जो तुमको बहुत अच्छी लग रही ना वनिता, ये बेड़ी है, बेड़ी पत्नी बेड़ियों के समान है, वो पत्नी बेड़ी है तो ऐसा नहीं कि कोई पति भी बहुत अच्छे है, पति बेड़े है, बेड़े मतलब वो वाले नहीं, पति पत्नी के लिए भी, पति के लिए भी पत्नी बेड़िया है तो पत्नी पत्नियों के लिए पति भी क्या है, बेड़ी है, बेड़ी का मतलब बांधने वाले। ये तुमको तन रूपी कारागृह से निकलने नहीं देगी, बेड़िया डबल उपाय करती है, एक तो पहले तो तन रूपी कारागृह शरीर रूपी जेल, और शरीर रूपी जेल के अंदर पत्नी रूपी बेड़ी, और उसके बाद परिजन जन रखवारे, तीन तीन लेयर की सुरक्षा है क्या घर वाले जाने नहीं देते इसको, बहुत प्रीति करते हैं इससे कि कहीं चले नहीं जाए क्या, ये परिजन जन रखवारे, रखवारे का मतलब क्या हूं, ये पुलिस वाले भी रखवारे होते हैं, जेल के अंदर पुलिस वाले रखवारे होते हैं, काहे के रखवारे, मेक श्योर करते हैं, वो पक्का करते हैं कि ये यहां से कहीं भाग नहीं जाए, ऐसे परिवार वाले पक्का करते हैं कि ये कहीं छोड़ के नहीं चले जाए। पत्नी पूरी बेड़ियों से बंधी रहती है, अपने लिए बेड़ियों से अपने को पूरा बांधे रखती है, और शरीर जो है उस कारागृह में रखने के लिए इस कैदी ने, इस जेलर ने पूरा उपाय कर रखा, इसको लगे ही नहीं, यदि अच्छी जेल नहीं देवे तो ये छूटने का उपाय करे, इसलिए इसको लगे ही नहीं है कि ये कोई बेड़ी भी है, ये कोई जेल भी है, ये कोई रखवारे भी है, मजा मानता है तो यहाँ पे आराम। तो ये प्रभाव कितने दिन रहने वाला अपना, मेरे सुत मेरे बच्चे, कब तक, जब तक आज्ञा माने तब तक, तो अखबार में निकलवाता है मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है क्या, जो कोई इनसे ले लेगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। जब तक आज्ञा मानते हैं ना बच्चे तब तक अच्छे लगते हैं, और जब अपनी छाती पे खड़े हो गए बस, बल्कि शास्त्रों में तो इतना लिखा है अहंकार धर्मावृत में कि पुत्र जन्म लेते ही पत्नी छीन लेता है, पत्नी फिर पत्नी से अपन कहो कि भैया एक गिलास पानी तुमको दिखता नहीं, बच्चे को दिखता लगा तुम्हारा हाथ नहीं है, काम करो जरा तुम, और बड़ा होके अपनी छाती पे पाँव रख के कहता है कि चाबी कहाँ है चाबी, पासवर्ड कहाँ है पासवर्ड क्या बैंक का पासवर्ड तो बताओ तुम क्या। हाँ, स्त्री का सौंदर्य छीन लेता है, अपना पैसा छीनने लग जाता है, बड़ा होके मांगता हो देव चाबी, यदि हिस्सेदारी नहीं की तो तुम्हारे को भी हम दिखा देंगे हम क्या है क्या, कोर्ट के अंदर नहीं लगा देते केस, इन पिताजी को भी इनके पिताजी की मिली है, और पूर्वजों की संपत्ति हमारा भी अधिकार है, जीते जी। हमारे तो एक मंदिर के अंदर एक भक्त है बहुत बड़े, क्या उन्होंने यही काम कर रखा, पिताजी के ऊपर केस लगा रखा, पिताजी भी आते मेरे पास किसको समझाओ बेटा क्या करूं मैं क्या। उनके पिताजी इतना छोड़ गए, उनके पिताजी के पिताजी सेठ लोग थे, आप लोग नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन बहुत बड़े सेठ थे, तो उनके उनके जो सेठ लोग थे वो पूरी परिवार के लिए ये लड़ाई झगड़े की चीज देखे गए, उनके परिवार में किसी ने कुछ नहीं किया, तीन चार पीढ़ी कोर्टों में लड़ रही है क्या करें। मेरे सुत मेरी ती है, ती माने मेरी पत्नी, मेरे सुती में सबल में बलवान, अभी लकवा पड़ जाए तो हाथ की मक्खी नहीं उड़ा सकता है, गामा पहलवान था उसने रेल हिला ली थी अपनी ताकत से, पटरियों पे से उसने रेल जो है चला ली थी, और वही गामा पहलवान को जब लकवा मारा तो उसके हाथों पे मक्खियां
उड़ती थी, मक्खियां भिनभिनाती थी, लेकिन वो एक मक्खी भी नहीं उड़ा पाता था। क्या करें? क्या ये तो शरीर का बल है, तुम्हारा कौन सा बल है? कितनी देर लगती है इस शरीर को रोगी होने में? कितनी देर लगती है? आज अपन निरोग है, क्या और कल क्या अवस्था हो? सबल दीन, कहेगा दीन, अपने को दीनहीन मानना भी अज्ञान है। रुपये पैसे नहीं होने से दीन आनना और होने से अपने को बड़ा मानना, ये दोनों ही अज्ञानता है। क्या न मैं निर्बल हूं, न मैं बलवान हूं, न मैं दीन हूं, न मैं दीनानाथ हूं। बेरूप सुभग मूढ़क प्रवीण, और मैं कैसा हूं? बेरूप हूं, कुरूप हूं। शरीर के रूप को अपना रूप मान रखा, जबकि तू क्या है? अमूर्ति के अरूपी है, तेरा तो कोई रूप ही नहीं है, ना तू गोरा है ना काला है। जबरदस्ती अपने को गोरा मान रहा है, काला मान रहा है, ये किसने दिया? ये तो कर्म के उदय से मिल गया, जैसा मिल गया उसको अपन ने स्वीकार कर लिया। क्या समझ में आया ना? इसमें अपनी कुछ नहीं चली, ये वास्तव में ये सारे जो मिले हैं ना संयोग अपने को उदय से मिले हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं कि अपन ये मानते हैं कि सर हमने पुरुषार्थ से किया। हमने देखो माता पिता में हम अपनी कितनी अकल लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। पत्नी में सर ठोक पीट के लेके आएंगे, तुम क्या ठोको पीटोगे, तुमको ठोक देगी है? अरे वो भी तुम्हारे उदय से ही मिली है, पूर्व भाव का कोई संबंध था उससे मिल गया। पहले के लोगों तो हमारे दादाजी बताते, हमारी दादी जी बताती थी कि हमारे दादाजी ने तो हमको देखा ही नहीं था, दो जने हमको देखने आए थे और उन्होंने हमसे कुछ एक थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू तो लिया उन्होंने, तो इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन, भक्ता मर्जी आता है कि नहीं आता है? सुनाओ चार पंक्तियां भक्ता मर्जी की, सुना सुना दिया उन्होंने। छड़ाला आती है कि नहीं आती है? छड़ाला सुना दिया। एक आध दो ग्रंथों के नाम पूछ लिए, इतना कर लिया। फिर बोले उन्होंने एक काम और किया कि हम बैठे थे तो हमसे कहा थोड़ा चल के दिखाओ कि भाई पापा ठीक है कि नहीं, बस इतने में हम पास हो गए। क्या हमारा काम हो गया? क्या हाँ थोड़ा बहुत वो जो भी है, क्या अब वो चीजें उन्होंने मेरे को नहीं बताई, पापड़ बनाने के लिए भी बनता रहता लेकिन ये स्थिति थी, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा विचार नहीं किया, फिर भी बहुत आनंद से रहे। क्या बहुत प्रीति से रहे, कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए हमने जो जितनी अपनी समझदारी समझ रखी है इसमें कुछ नहीं है। मैं तो देखता रहता हूँ क्या कि जिनके जिन्होंने खुद ने चुनी और वो 6 महीने के अंदर अलग होने के लिए सोच रहे हैं, और अपन ने तो अपने माता पिता ने जो कहा कि भैया ठीक है, क्या अपन ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। अपने से ज्यादा अपन ने उनको समझदार माना कि ये अपने भले बुरे के निर्णय करने वाले है अच्छे से। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो जीव है ये अपनी बहुत अक्कल लगाता है, बहुत अपने को इसने समझदार मान रखा, मेरे सुत मेरी ती मेरा बच्चा मेरी पत्नी, मैं विरूप मैं कुरूप मैं स्वरूप बेरूप सुभग, मैं बहुत भाग्यवान। कितने समय का ये भाग्य का होता है, कुछ भरोसा नहीं इसका। और मूर्ख प्रवीण, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। नहीं बुद्धिमान भी भैया इसका भी क्या ठिकाना है, आज बुद्धिमान है और कल कोई दिमाग का एक स्क्रू हिल जाए क्या? हाँ अच्छा खासा पंडित 2 मिनट पागल हो सकता है कोई, इसका ठिकाना नहीं। मैं अपनी बात करूं ना दूसरों की तो कह नहीं सकता क्या, इसका कोई भरोसा नहीं है। मैंने ये जितनी अवस्था है ये सब क्षणमंगुर है, और इससे अपने को बड़ा छोटा मानना, इससे अपना निर्णय करना, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। हम उसमें अपनापन करें जो हमारे साथ त्रिकाल रहे। त्रिकालिक वस्तु हमारी है, क्षणमंगुर वस्तु कोई भी हमारी हो नहीं सकती। ये कर्म के उदय की दी हुई है, पौद्गलिक है, रूप पुद्गल का है, अपना है नहीं। मूर्खता ज्ञानावरण कर्म के 6 अक्षरों से मूर्खता है, या अच्छे ज्ञानावरण कर्म के 6 अक्षरों से प्रवीणता है, और उदय है तीव्र तो मूर्खता है। क्या तो इससे अपने को, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा स्वभाव तो त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव है, और तुम इतने से ज्ञान के अंदर अपनापन करने लग गए और उससे अपने को बड़ा छोटा मानने लग गए। यही स्वभाव की अपेक्षा विचार किया जाए तो तुम क्या है? तुम्हारा स्वभाव केवल ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि तेरा स्वभाव केवल ज्ञान है, और ये कहता है मैं तो इंजीनियर डॉक्टर हूं। क्या
उसको क्या कह रहे हैं, पर ये कितने छोटी चीज में अटका हुआ पड़ा है। माने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और अपने बड़े और छोटे का निर्णय कर रहा है, और वो कह रहे तू अपने स्वभाव का विचार कर, तो तू तू हमारे जैसे स्वभाव वाला है, जैसा केवल ज्ञान स्वभाव हमारा है ऐसा स्वभाव तेरा है। देखो जैन मत में और अन्य मत में जो सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है किस बात का, इस बात का तो है कि भगवान हमको भक्त के नहीं पुकारते, भगवान हमको भगवान के पुकारते। अन्यथा अन्य मतों में और अपने में अंतर क्या रहा, भक्त तो हम यूं ही दिख रहे, रागी द्वेषी तो हम दिख ही रहे, जो चीज दिख रहे है उसको जिनवाणी क्या बोलेगी, जो नहीं दिख रहा है उसको होते हो तेरे को बताती कि तू वैसा है, तेरे को लाडला बेटा के पुकारती है कि अरे तेरा स्वभाव तो सिद्धों के समान है, तू क्या ये अल्प क्षण मंगुर पर्याय में अपनापन करके बैठ गया है। और जब तक वो स्वभाव को नहीं देखेगा तब तक ये अल्प ज्ञान की अवस्थाओं में उसका अपनापन नहीं मिटेगा। आदमी अपने को इंजीनियर डॉक्टर क्यों मानता है, क्योंकि वो ये मानता है कि ये जो अभी की वर्तमान अवस्था है यही मेरी है, पर यदि स्वभाव की अपेक्षा से देखे तो सब जी उसको कैसे दिखे, भगवान समान दिखाई दे, किसी में उसको छोटा बड़ा पने का भाव ही नहीं आए। छोटे बड़े का भाव कब आता है, जब अपन जीवों को पर्याय दृष्टि से देखते हैं। द्रव्य दृष्टि से देखने पर क्या दिखते हैं, सब अपने को समान दिखते हैं, कौन बड़ा और कौन छोटा, क्या जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछूर भी नाही भेद गिन्यो संसार। ये किसकी पंक्ति है, मेरी, मेरे घर की बनी हुई है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही और भेद गिन्यो संसार। ये दृष्टि देती है अपने को जिनवाणी माँ, कि स्वभाव से देखो तुम तो ना कोई मूर्ख दिखेगा ना प्रवीण दिखेगा, क्षण मंगुर अवस्था है। आज मनुष्य है कल देव है, आज देव है कल त्रियंश, ये शाश्वत अवस्था नहीं है। वो शाश्वत स्वभाव को देखने वाली दृष्टि वो मिले तो समझना अपन ने जीव तत्व को देखा। जीव को उसके स्वभाव से देखना जीव को देखना है, और जीव को वर्तमान अल्प विकसित अवस्थाओं से देखना ये जीव को टोटल देखना नहीं। दूसरी बात ये कि पर्याय तो अपने को दिख ही रही है ना, उसमें से ही तो अपनापन छुड़ा के स्वभाव की दृष्टि करा रहे कि स्वभाव से देखो कि स्वभाव से हम क्या है। इसलिए अपने आप एक प्रवचन सार में गाथा आती है कि जो जानती अरहंतम दवत्त गुणत पज्जय तेहिम सो जानती अपाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। जो अनंत भगवान को द्रव्य पने गुण पने पर्याय पने से जानता है, सो जानती अपाणम वो अपने आत्मा को जानता है, मोह खलु जाति तस्य लयम उसका निश्चित रूप से मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। क्यों कहा अनंत को जानना, क्यों कहा, उसकी टीका में उदाहरण दिया, अनंत भगवान शुद्ध स्वर्ण के समान है और हम कैसे हैं, अभी वर्तमान में कच्चे स्वर्ण के समान है, तो हम उस असली सोने से अपने सोने का मिलान करते हैं कि यद्यपि अभी हमारे अंदर ऐसी अशुद्धता है, अभी कच्चा सोना है, मिट्टी है, मेल है, सब है, लेकिन मेरा स्वभाव किसके जैसा है, इनके जैसा है। वो हमारे लिए 16 टंच सोने के समान है, और उस 16 टंच सोने से हम अपना जो है स्वभाव देखते हैं, अपना मिलान करते हैं। हे प्रभु वास्तव में जैसा आपका स्वभाव है ऐसा ही मेरा भी स्वभाव है, जैसे आप अनंत अवस्था रूप हो, आप तो क्या हो, व्यक्त हो, आपकी अवस्था व्यक्त रूप है, और मेरी कैसी दशा है, अव्यक्त है, और मेरे को भी पर्याय में जैसी आपकी दशा व्यक्त है ऐसी मेरे को भी क्या करनी है, व्यक्त करनी है। मेरा आदर्श आप हो क्या, तो ये अपने को अल्प विकसित अवस्थाओं में अपनापन मानना ये सब क्या है, जीव जीव तत्व संबंधी भूले हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने थोड़ा आगे हो जाओ भैया, उसके बाद में उन्होंने आश्रव तत्व संबंधी भूल कही, राग आदि प्रकट जे दुख देन तिन ही को सेवत गिनत जे। राग आदि भाव, राग द्वेष भाव जो प्रकट में कैसे हैं, दुख को देने वाले हैं, राग आदि भाव प्रकट में दुख को देने वाले हैं, दुख रूप भाव एक नहीं, राग आदि भाव आकुलता को देने वाले हैं, वर्तमान में दुख के कारण, और इनके निमित्त से जो कर्म बंद होता है उससे भविष्य में भी हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो रागादि भाव वर्तमान में भी दुख के कारण है, आगामी काल में भी दुख के कारण है। और तिन ही को सेवत, और उन रागादि भाव का क्या करता है, सेवन करता है।
माने रागादि भाव होते हैं इसके, जो रागादि भाव दुख रूप है उन रागादि भाव का जीव सेवन करता है, ये आश्रय तत्व की भूल है। हे बराबर, रागादि भाव होना ये आश्रय तत्व की भूल है कि नहीं है? रागादि भाव होना आश्रय तत्व की भूल नहीं है। यदि रागादि भाव होना आश्रय तत्व की भूल हो तो मुनिराज के भी भूल मानी जाएगी, क्योंकि उनके भी संजोलम कषाय का राग तो विद्यमान है, वीतरागी नहीं हुए परिपूर्ण। जैसे केवल ज्ञानी पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ है, ऐसे मुनिराज नहीं हुए अभी, अभी एक कषाय चौकड़ी हो सकती है उनके, पंचम गुणस्था नहीं है तो दो हो सकती है, और सम्यक दृष्टि उसके तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव हो सकता है। उसके भूल है क्या सम्यक दृष्टि के तत्व संबंध? भूल तो नहीं है, पर राग है क्या? राग तो है। इसका मतलब राग है वो भूल नहीं है, रागादि भाव होना भूल नहीं है। हाँ, गिनत चेन तिन ही को सेवत गिनत चेन, उनका सेवन करके और चेन मानना, मैंने राग भाव का सेवन करके अपने को सुखी मानना, ये आश्रय तत्व संबंधी भूल है। जिसको मैं सरल भाषा में कहूं तो राग होना भूल नहीं है, राग का राग होना भूल है। क्या कहा? राग का राग बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जिसको राग का राग है वो राग को क्यों मिटाएगा? राग तो रखने लायक है, अच्छा है, राग तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं, राग जिसने राग को अच्छा मान लिया, उपाधेय मान लिया, अब वो राग के नाश का उपाय क्यों करेगा? फाइल क्लोज, क्योंकि राग तो अच्छी चीज है। जब राग अच्छी चीज है तो फिर वीतरागी को पूछता क्यों है? इसका मतलब वो दुखी है कि नहीं, मैं पूछता तो इसलिए हूं क्योंकि मम्मी ने एक चीज सिखाई थी कि बेटा जब तक तू टिकी लगा के नहीं आएगा तब तक तेरे को खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तो ढोक लगाने आता हूँ, बाकी मेरे को मालूम तो ही नहीं कुछ भी कि मैं क्यों ढोक लगाता हूँ। क्या लगता तो ऐसा ही है कि सुख तो राग में ही है, और भगवान वीतरागी तुम कह रहे हो कि वीतरागी है और सुखी है तो होंगे, तुम कह रहे हो तो होंगे ही सुखी। मैंने हमने वीतरागी के भी दर्शन का किए, वीतरागी के दर्शन करे और उनको सुखी माने तो इससे ये प्रतिध्वनित होता है कि राग भाव दुख रूप है, फिर राग के सेवन में सुख कैसे मान सकता है? या तो भगवान को सुखी मान के अपने को सुखी मान, कि तो राग में सुखे कि वीतरागता में सुखे, एक बार निर्णय तो कर। भगवान को ढोक देता है और मानता फिर भी ये कि राग भाव में सुख है, और राग तो यूं ही चला करते हैं अपने, कितना राग है अंदर, लेकिन हम रागादि के बढ़ाने का उपाय करते हैं। हमारे घर में जितने साधन है वो सब वीतरागता के कि राग बढ़ाने के, क्यों राग बढ़ाने के? अपने यूं ही तो राग खूब है, और अपन ने और राग फिर बढ़ाने के साधन इकट्ठे किए, वीतरागता के साधन नहीं है क्या? घर में जितने सामग्री है सब रागादि भाव की वृद्धि रूप जोड़ रखी है क्या? लोग अंदर देख लो, घरों के अंदर जा जाके भोग सामग्री प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी है, टीवी की साइज बड़ी होती जा रही है, धर्म की अलमारी छोटी होती जा रही है, क्या क्या करें? हाँ, वो तो हर कमरे में टीवी हो रही है। तो ये जितनी हमने सामग्री जोड़ी है ये काय के लिए जोड़ी है? राग बढ़ाने के लिए। अरे तू राग से तो यूं ही पीड़ित है, उसको और बढ़ा बढ़ा के क्या करेगा? जिस राग के नाश का उपाय करना था तो उसके ही बढ़ाने के साधन खोज रहा है। मंदिर आते काय के लिए? राग के नाश के लिए। राग के नाश के लिए तू मंदिर आ रहा है, वो घर जाके क्या कर रहा है फिर? राग बढ़ाने के उपाय कर रहा है। तू विचार कर थोड़ा अपने लाइफ में, एक बार चिंतन तो कर कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं। रागादि प्रकट जे दुख देन, ये प्रकट में दुख को देने वाले हैं, तिन ही को उनका सेवन कर रहा है और चेन मान रहा है। आदमी शांति से बैठा उसको पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, टीवी चालू किए बिना उसका मन नहीं मानता, राग द्वेष बढ़ाने उसको अंदर में राग, कोई राग द्वेष करने वाला नहीं है तो परिणामों में राग द्वेष करना क्या? अपना पैसा जो है महीने महीने लागा दे या नहीं दे, लेकिन चैनल का जरूर महीने महीने किराया भुगतना है, ठीक है? स्थिति। और ये रागादि भाव कैसे है कि साहब होते तो अपनी आत्मा में ही ना,
अब आत्मा में होने वाले भाव को दुख रूप कैसे माना जाए, ये इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये रागादि भाव इनकी उत्पत्ति आत्मा में होती है और जो आत्मा में उत्पन्न हुए उनको ये बुरा कैसे माने, अपने किए भासते हैं उनको ये बुरे नहीं लगते, जो अपनी चीज होती है ना वो बुरी नहीं लगती, तो रागादि भाव अपने किए भाषित होते हैं तो वो बुरे कैसे लगे। तो आचार्य देव कहते हैं भले ही अपने किए भाषित होते हो, होते अपने में आत्मा में होते हैं, लेकिन ये आत्मा के घात करने वाले परिणाम है। इनको आचार्य देव ने इनके लिए जो उदाहरण दिया है वो काय का उदाहरण दिया हूं कि जैसे लाख पीपल के वृक्ष में पैदा होती है, होती पीपल के वृक्ष में, लेकिन वो लाख पीपल के पेड़ को खा जाती है, वो लाख और पीपल के पेड़ का वध्य बंधक संबंध है, घात घातक संबंध है। मैंने पीपल का पेड़ घात होने लायक है, घात होने योग्य है, और लाख पीपल का क्या करती है, घात करती है। ऐसे रागादि भाव भले ही आत्मा में होते हो, लेकिन ये आत्मा के घात करने वाले परिणाम है। विभाव घात करता है, स्वभाव परिणाम अपने को सुख देते हैं और ये विभाव परिणाम दुख देने वाले भाव। क्या अपन किसको अपना कहते हैं, मित्रों को कि अपने शत्रु हो, ये भी हमारा शत्रु है ये। अरे भैया शत्रु अपने तो ही नहीं होते, क्या शत्रु हो तो हम क्या कहते हैं, पराए हैं। ऐसे रागादि भाव को हम अपना नहीं कहते, क्यों, अपना उसको कहे जो हमें सुख देवे, जो हमें दुख देवे उसको हम अपना कैसे कहे। यद्यपि अपने में होते हैं लेकिन चूंकि हमें सुखी नहीं करते, इस अपेक्षा से हम क्या कहते हैं कि हमारे नहीं। एक जगह हम प्रवचन करने गए, प्रवचन करते करते बीच में एक अम्मा जी चिल्लाई, बंद करो ये तुम्हारा सब प्रवचन। मैंने कहा भैया क्यों बंद करो, अरे तुम बातें कर रहे हो और हमारी यहाँ कोई देख रेख नहीं कर रहा है, क्या तुम्हारा ये समाज ये जितने लोग बैठे हैं एक आदमी मेरे को देखने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा भैया अम्मा जी की बात सही है, पहले इनकी व्यवस्था कर दो, जो भी ये खाने वाने को नहीं हो तो खाने को भोजन की व्यवस्था कर। लोगों ने कहा पंडित जी तुम कितने दिन के लिए आए हो यहाँ, अगर 10 दिन के लिए, तुम अपना काम करो, समाज की पंचायत में मत फंसो, ये हम निपट लेंगे तुम्हारे जाने के बाद। मैंने प्रवचन चालू, अम्मा जी फिर चिल्लाई, पंडित जी तुमको समझ में नहीं पड़ती है, मेरी व्यवस्था होने रही और तुम प्रवचन चालू करो। मैंने कहा भैया तुम आपस में निपट लो पहले, क्या। तो एक आदमी धीरे से कान बोला पंडित जी तुम चिंता मत करो, इनके 3-3 बेटे हैं और तीनों करोड़पति है, इसलिए आप कुछ बोलने ही मत। हमने फिर प्रवचन चालू कर दिया, इनके है सब करने वाले। अम्मा जी फिर चिल्लाई, मैंने कहा अम्मा जी तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं है, बोले मेरा कोई बच्चा नहीं। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, इनकी मानेगी इनकी माने। मैंने लोगों ने कहा भैया अम्मा जी कह रही 3 इनके कोई बच्चा नहीं, बोला आप वापिस से पूछो और जोर लगा के पूछो तुम्हारे बच्चे है कि नहीं है। अम्मा जी ने जैसे ही कहा कि मेरे कोई बच्चे नहीं है कि नहीं है भैया, बोले अरे ऐसे पैदा होने से पहले मर जाते तो अच्छा रहता। मैंने कहा अच्छा आप समझ में आ गई पूरी बात, है तो सही बच्चे तो है, ये तो बात स्वीकार कर ली उसने, लेकिन स्वीकार करने के बाद में उसको बच्चा मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं मानने को तैयार, बच्चा उसको कहे जो सेवा करे, और बच्चे होके भी काम के क्या, यदि वो सेवा करे तो बच्चे कहलाए, नहीं सेवा करे तो कहे के बच्चे, क्या। तो ये बात भी पक्की है कि है तो इसके ही, लेकिन वो और उनको गाली दे रही, क्यों कि यदि ये नहीं होते तो कम से कम कोई मेरी सुनता, और अब हमारा घर का मामला इसलिए कोई पाँव डालने को भी तैयार नहीं है कि भैया क्यों अपन फंसो, क्या। इसलिए वो कहती है कि भैया ऐसे नहीं होते तो अच्छा रहता, कम से कम कोई सुनता, क्या सुनती, अब कोई सुनने को तैयार नहीं है कि इनके बच्चे ही नहीं सेवा कर रहे तो हम क्या सेवा करें। ऐसे ही रागादि भाव हुए तो आत्मा में ही है, आत्मा से बाहर नहीं हुए, आत्मा की सत्ता में हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको आत्मा के नहीं कहते, क्यों, क्योंकि आत्मा को कुछ लाभ पहुंचा है तो आत्मा के कहे जाए, लेकिन ये तो आत्मा को संसार में घुमाते हैं, 4 गति में रुलाते हैं, तो कैसे हम इसको अपना कहें, क्या। इसलिए अपने में होने पर भी हम कहते हैं अपने नहीं, क्या, इस अपेक्षा से अपने नहीं कहे गए। दूसरी बात, ये रागादि भाव वैसे भी क्षण मंगुर भाव, ये शाश्वत नहीं रहते हैं, अभी राग है
अभी द्वेष हो जाए, होता ही नहीं होता, अपने परिणाम बदलते रहते हैं। जो पति क्षण भर में देवता दिखता है, कोई दानव दिखने लगता है, ये परिणाम बदलते रहते हैं। क्या कब पत्नी शांता भाई की ज्वाला भाई बन जाती पता ही नहीं चलता, क्षण क्षण में विराग क्या था है? तो लगता है अब तो बस छोड़ के चलो। तो इसलिए रागादि भाव भी कोई शाश्वत नहीं है, क्षण मंगुल भाव है। अभी राग है अभी द्वेष हो जाए, अभी द्वेष है अभी राग हो जाए, और राग भी एक सा नहीं रहता, कभी तीव्र होता है कभी मंद हो जाता है। जैसे मिर्गी का दौरा एक सा नहीं होता है, कभी मिर्गी का दौरा तीव्र हो जाता है कभी मंद हो जाता है, ऐसे रागादि भाव भी तीव्र और मंदता के रूप में होते हैं, शाश्वत भाव नहीं है। जैसे सर्दी कभी गर्मी की बीमारी हो जाती है कभी सर्दी की, ऐसे कभी राग में आ जाता है कभी द्वेष में आ जाता है। और दूसरी भाव है रागादि भाव अशरण है, जिनका तू शरण लेना चाह रहा है उसका कोई ठिकाना नहीं है। मैंने आज वो रागादि भाव है लेकिन वो रागादि भाव कल तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, हो नष्ट होने वाले भाव। जो शाश्वत हो तो उसकी शरण ले, वो अशाश्वत होने से क्या है, अशरण है। पहले आदमी को अपने माता पिता का राग रहता है, राग बदल जाता, पत्नी का राग करने लगता है, फिर पत्नी भी उसको कहती है कि भैया कुछ नहीं है यार, तो बच्चे बच्चियों में राग करता है, फिर बच्चे बच्चे भी उसको एक दिन पाठ पढ़ा देते हैं तो पोते पोतियों में राग करता है, फिर एक दिन पोते पोती भी सिखा देते हैं। अब जब तक वो सीखता है कि यहाँ कोई राग करने लायक नहीं है, तब तक उसका समय आ जाता है बेचारे, क्या करें, संसार की दशा सबकी दशा है। क्या क्या, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये अशरण भाव है। और एक और उदाहरण दिया कि यद्यपि आत्मा में होते हैं लेकिन आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं। मेल माने जैसे पानी होता है ना, पानी में काई होती है, तो काई है वो पानी नहीं है, पानी का क्या है, मेल है। उसी प्रकार ये रागादि भाव आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध होते हैं, ये आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है, कर्म बंध का कारण ऐसा तो है क्या। लेकिन दुख की बात यह है कि ये रागादि भाव अपने को दुख रूप नहीं भासते, आकुलता रूप नहीं भासते। क्या इनके इनके इन भावों के करने में वर्तमान में आकुलता होती है, और भविष्य में जो जो कर्म बंध करेंगे उसके निमित्त से उससे जो आगामी काल में फिर आकुलता होती है, वैसा भाषित नहीं होता। यदि भाषित होने लग जाए तो ये रागादि भाव को दूर करने का उद्यम करें। दुखी तो होता है रागादि भाव से, दुखी तो इन मिथ्यात्व कषाय भाव से होता है, लेकिन मिथ्यात्व कषाय को दुख का कारण नहीं मानता, दुख का कारण पर वस्तु को मानता है। दुखी तो अपने मिथ्या श्रद्धांत से होता है, लेकिन जो पदार्थ इसकी इच्छानुकूल न परिणमे उसको ये दुख के कारण मानता है। क्या इसकी इच्छा क्या है, सारे संसार के पदार्थ मेरी इच्छानुकूल परिणमे, तो दुख का कारण तेरा ये श्रद्धांत है पर को परिणमन कराने का, कि पर परिणमन नहीं कर रहे इसलिए तू दुखी। दुखी किस कारण है, दुखी इस कारण है क्योंकि तेरा विपरीत श्रद्धा ने अनंत पदार्थों को अपनी इच्छा अनुसार परिणमित कराने का जो श्रद्धा ने वो दुख का कारण है। पर को परिणमित कराने का भाव दुख का कारण है, और ये मानता है कि पर मेरी इच्छा अनुकूल नहीं परिणम रहा है इसलिए मैं दुखी हूं। ऐसे दुखी तो क्रोध से होता है, लेकिन जिसके ऊपर क्रोध किया होता है वो दुख का कारण लगता है। दुखी तो लोभ से होता है, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं तो दुख का कारण मानता है। दुखी कषाय से है, लेकिन कषाय को दुख के कारण नहीं लगते। वो इन कषाय भाव से जो कर्म बंद होता है वो भी भाषित नहीं होता। इसको ऐसा लगता है क्या, अभी हमने गुस्सा किया तो क्या हुआ, बाद में वापिस मित्रता हो तो गई, लेकिन उस समय जो गुस्से से जो कर्म बांधे उसका जब आगामी काल में उदय आएगा तो तुमको फल भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन भाषित नहीं होता। रागादि भाव की तीव्रता से नरक आदि होते हैं वो इसको भाषित नहीं होता, इनकी मंदता होने से भी जो मंद आकुलता होती है वो भी भाषित नहीं होती, क्योंकि इसका कारण ये है कि इसको ये अपने किए भाषित होते हैं। जो चीज अपनी होती है वो बुरी नहीं लगती, मेरा बेटा मैंने सब बात खत्म, क्या अपने में दोष नहीं दिखते ना। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि भाई ये दुख रूप है, आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है, ये विभाव है, आत्मा में मेल के रूप में उपलब्ध हुए, लाख के समान है जो होते आत्मा में, लेकिन आत्मा के घात करने वाले परिणाम। आप लोगों ने बाला भावना पढ़ी होगी ना, अनित्य अशरण संसार, अनित्य अनित्य अशरण संसार, एकत्व अन्यत्व अशुचि, तो ये अब तक अपन ने इसमें लगाई होगी,
स्त्री पुत्र आदि का संयोग अनित्य है, स्त्री पुत्र आदि का संयोग अशरण है, मतलब वो जब हमको जाना है तब उसको रोकने के लिए कोई शरण नहीं है, संसार दुख रूप है क्या, और ये जब शरीर अपवित्र है, मन मूत्र की खान है, ये सब अपन ने पढ़ा। अपन जरा इसको आश्रव भाव पे लगाओ, आश्रव भाव अनित्य है, आश्रव भाव क्या है, अशरण है, आश्रव भाव ही दुख रूप है और आश्रव भाव ही अपवित्र है, और मैं अन्य हूँ और आश्रव भाव अन्य है, और मैं एक हूँ ज्ञान स्वभाव में एक हूँ, और ये रागादि भाव अनेक प्रकार के, ये छह भावना इस पे लगाओ, समझ नहीं बात नहीं आई, और इसका उल्टा भी लगा लो, रागादि भाव यदि अनित्य है तो ज्ञान स्वभाव नित्य है, रागादि भाव अशरण है तो ज्ञान स्वभाव अपना शरण भूत है, रागादि भाव दुख रूप है तो आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, और रागादि भिन्न है और ज्ञान स्वभाव अपने से अभिन्न है, रागादि भाव अपवित्र है और आत्मा परम पवित्र है। करो इसका थोड़ा, ये कहा है, ये सब दिया है ग्रंथों में क्या, यदि ये पूरा इसका विवेचन नहीं होगा, पूरी चिंतन नहीं होगा तो रागादि भाव अपने को बुरे नहीं लगेंगे क्या, जब तक इनको दुख रूप, दुख के कारण, अनित्य, अशरण नहीं जानेगा तब तक उनसे निवृत्त नहीं होगा, इसलिए उनको अपने को इस रूप जानेंगे समझेंगे तो उनसे अपन निवृत्ति होगी। कोई भी चीज को अपन कब निवृत्त होते हैं, जब अपन उसको बुरा जानते हैं तो उससे निवृत्त होते हैं, जब तक हम उसको भला जानेंगे तो हम उसको छोड़ेंगे क्यों, इसलिए कहा राग का राग मिटे, राग का राग जब तक नहीं मिटेगा तब तक ये जीव राग को छोड़ने को तैयार नहीं। इसके बाद में शुभ अशुभ बंद के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार, शुभ और अशुभ कर्म के फल में ये रति और अरति करता है, अशुभ के फल में अरति, अशुभ के फल में रति। भाई कर्म का फल तो सभी दुख रूप है, चाहे वो शुभ का हो चाहे अशुभ का फल हो, चाहे देव गति मिले चाहे नरक गति मिले, दोनों है क्या, संसार है। तो तू शुभ के फल में तो प्रेम करता है और अशुभ के फल में द्वेष करता है, ये बंध तत्व संबंधी भूल है, माने बंध में भी तूने भेद कर लिया। अरे बंधन तो बंधन है ना, है नौकरी तो नौकरी है, चाहे वो बिल गेट्स की हो कि चाहे यहाँ के रमैया की हो, नौकरी तो नौकरी है कि नहीं है, कि नौकरी में अंतर है क्यों, अरे नौकर तो नौकर ही है भैया क्या, अब वो तो खेल तो बंधन तो बंधन है, चाहे तुमको लोहे की बेड़ियों में बांध दे चाहे सोने की बेड़ी में बांध दे, बंधन है कि नहीं है। अब आदमी की ये आदत हो गई है कि उसको सोने की बेड़ी बंधन ही नहीं दिखती, कि मैं भी बंधा हुआ हूँ, उसको बंधा हुआ ही नहीं दिखता, उसको लगता है मैं तो मुक्त हूँ, मतलब बंधा हुआ व्यक्ति अपने को मुक्त माने बैठा है और उसने बेड़ियों में अंतर कर रखा है, तुम्हारी बेड़ी तो लोहे की है मेरी तो सोने की है। बंधन जब तक उसको बंधन नहीं दिखता है, बेड़ी में उसको जब तक ये नहीं दिखता है कि बेड़ी तो केवल बांधने का काम कर रही है, जब तक तू बेड़ी में अंतर करता रहेगा बेटा तब तक तू बंधन से नहीं छूट पाएगा, क्योंकि लोहे की बेड़ी से तो एक बार फिर भी छूट सकता है, ये सोने की बेड़ी बहुत खतरनाक है, हम काहे से बंधे हुए सोने की बेड़ी से क्या। तो बंधन बंधन नहीं लगेगा जब तक तेरे को बंधन में प्रीति होने लग जाएगी, कि ये बंधन तो बहुत अच्छा है और ये बंधन खोटा है, और अच्छा लगने लग जाएगा, बंधन ही यदि अच्छा लगने लग गया तो तेरी फाइल क्लोज, क्यों, क्योंकि बंधन से मुक्ति की नहीं सोचेगा तू क्या, एक को अच्छा एक को बुरा, अरे बंध है ना ये तो बता, बंध है कि नहीं, कर्म बंध है कि नहीं, देवगति संसार है कि मोक्ष है, संसार है, नरक यदि संसार है तो देवगति भी संसार ही है, संसार से भिन्न नहीं है क्या। कांक्षा तो तेरी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे मुक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, अरे मोक्ष की कांक्षा भी जब तक है तब तक मोक्ष नहीं है, ऐसा परमानंद स्रोत में लिखा है, जब तक मुक्ति की इच्छा है तब तक मोक्ष नहीं है। कई लोग इसका उल्टा अर्थ भी निकालते कि मुक्ति की इच्छा भी मोक्ष नहीं है, तो इसलिए मैं तो इच्छा करता ही नहीं हूं, जब मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष नहीं है तो दूसरी इच्छाओं की तो क्या बात करें, ये कहने का मतलब है।
क्या? और तू तो मोक्ष की छोड़, तेरी तो इच्छा काहेगी है? स्वर्ग की, पंचेंद्रिय के विषय भोग की, पुण्य का फल मिलता रहे, तेरा मोक्ष की असली इच्छा है? तू मोक्ष को केवल देखा देखी भला कहता है, बाकी अंदर में इच्छा तो तेरे भोगों भोग की है। क्या तू सचमुच जैनी नहीं है? अभी भगवान का भगत नहीं है तू, भगत भोगों का ही है। जिन भोगों को भगवान ने छोड़ा, तेरे अंदर में उनकी लालसा है। जब तो तू शुभ कर्म का फल चाहता है, क्या चाहता? इष्ट विषय भोग एक नहीं है, उसमें रति करता है, प्रेम करता है, और अशुभ का फल आ जाए तो उसमें अलति करता है, उसको दुख रूप मांगता है। ये बंध तत्व संबंधी भूल फेर है। क्या लोगों जो है ना, हर आदमी ये पूछता रहता है, सर यदि यहाँ बैठ जाए तो अनर्थ तो नहीं हो जाएगा, यहाँ बैठ जाए तो क्या, इस दिशा में उस दिशा में ये में वो में। हमारे तो कितने लोग किचन चुड़वाते रहते हैं, मैंने कहा मेरे समझ में नहीं आता ये किचन और बाथरूम तेरा भला बुरा कैसे कर रहा है। हमारे वहाँ इंदौर में एमजी रोड है, उसमें आधी दुकानें नॉर्थ में आधी साउथ में, दोनों की दुकानें चल रही, नॉर्थ वाले की भी और साउथ वाले की। क्या मैंने कहा ये दुकान ही अशुभ है। क्या ये दुकान से छूटने की भावना भानी चाहिए, और तू दुकान में कैसे अच्छे हो, एक नींबू बांध रिया, एक मिर्ची लगा रिया, एक क्या कर रिया, क्या कर रिया? पता ही नहीं। अरे धर्म तो एक तरफ है, वास्तव में धर्म क्या सिखाता है मालूम ही नहीं है इनको। ये तो इनको तो शुभ कर्म का उदय चाहिए, संकट नहीं आए संकट। अरे राग भाव है वो सबसे बड़ा संकट है। क्या वो संकट नहीं, संसार संकट ही नहीं दिखता है। तो ये संसार में रहते हुए सुख की खोज करने की कोशिश करना कि यहाँ कैसे सुख मिल जाए, मूल में भूल है। शुभ बंद का फल चाहना ये भूल है। बंद होना अलग बात है, लेकिन चाह तेरी ये है कि मेरे पुण्य का उदय बना रहे, विषय भोग सामग्री बनी रहे। तो भूल है तो उसमें चाह करता है, तो उसमें काय की चाह कर रहा, विषय भोग सामग्री की चाह कर रहा, संसार की चाह है। पाप के फल से सब डरते हैं और पुण्य का फल सब चाहते हैं। मैंने अनुकूलता, और अनुकूलता सदा काल रहती तो ही नहीं, कितने काल रहेगी? त्रस पर्याय में तू रहेगा कितने काल, ये बता। तेरे को आज भी तेरे को यही सूझता है कि मैं ये कर लूं, देवगति चले जाऊं, वहां चले जाऊं, अभी तो साहब बंद है। अरे तू अब मनुष्य पर्याय में आके मोक्ष मार्ग नहीं जानेगा तो कब जानेगा भैया? तेरी जिंदगी तो पूरी हो रही है, और यथार्थ मोक्ष का मार्ग अब भी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? रत्नत्रय अब नहीं प्राप्त करेगा तो कब करेगा? गजब बात हो गई। तो अब भी छोटी छोटी चीजों की बात करता है। भगवान तेरे को मोक्ष का मार्ग बताते तत्वार सूत्र के पहले सूत्र में, और तू कहता है मोक्ष का मार्ग तो एक तरफ, मेरे को तो ये बताओ कि विषय भोग कैसे सदाकाल मिलते रहे, स्वर्ग कैसे मिलता रहे, देव गति कैसे मिलता रहे, ऊंचा ऊंचा देव कैसे बने? क्या वो मुक्ति की इच्छा को भी मुक्ति में बाधक कह रहे हैं, वो इसके स्वर्ग की इच्छा पड़ी हुई है। क्या है मोक्ष की इच्छा बता? मोक्ष का स्वरूप नहीं जाना तो मोक्ष की इच्छा कैसे होगा? तो शुभ अशुभ बंध के फल मजाब रति अरति करे निज पद विसार, मैंने अपने अपने पद को, अपने आत्म स्वरूप को भूलकर और शुभ और अशुभ कर्म के फल में प्रेम और द्वेष करता रहता है। ये बंध तत्व संबंधी भूल। इसके आगे संवर तत्व संबंधी भूल क्या? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट। आत्मा के हित करने वाले क्या है? विराग और ज्ञान, और वो इसको क्या लगते हैं? कष्टदायक, दुखदायक लगते हैं। ऐसा लगता है जेल मिल गई हो जैसे, 3 घंटे की जेल, क्या करें? लेकिन 10 लेक्चर में सब कर रहे हैं तो करना ही पड़ता है, परसों मुक्त हो जाएंगे। जैसे सांड भागता है कि नहीं भागता एकदम, जैसे छोड़ते हैं बछड़ा, इसको बंधन लगता है, दुखदायक लगता है, क्या करो? धर्म आनंद रूप है और वो दुखदायक लगता है, और विषय भोग दुख रूप है, वो आनंद रूप लगते हैं। आत्मा के हित करने वाले वैराग्य है, सम्यक चरित्र है। आत्मा का हित करने वाला ज्ञान है, तत्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वो आत्मा का हित करने वाले, वो इसको क्या लगते हैं? कष्टदायक लगते हैं। ये संवर तत्व संबंधी भूल है। निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या है? रोके न चाह, अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, बल्कि और इच्छाओं को बढ़ाता है, और इच्छाओं को बढ़ाकर उनकी पूर्ति में सुख मानता है। इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानता है, कि इच्छा उत्पन्न नहीं हो वो सुख है,
और ये क्या मानता है, इच्छा तो पैदा हो लेकिन उसकी क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए, बीमारी तो आए लेकिन दवाई मिल जाए। आचार्य देव कहते हैं बीमारी नहीं आना सुख है, बीमारी होगी नहीं तो दवाई की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसने मान रखा बीमारी तो मेरा स्वभाव है, बीमारी तो होगी होगी, तुम तो ये बताओ दवाई कैसे मिलती रहे। बस तो अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता है, चाह को नहीं रोकता है, अपनी आत्मशक्ति को भूला हुआ है, निज शक्ति खोए कि मेरी शक्ति ऐसी कि मेरे को इनकी कोई जरूरत ही नहीं, तू भिखारी बना हुआ है, तू तेरी शक्ति को भूला हुआ है कि मुझे बिना किसी पर पदार्थ के भी मैं आनंद स्वरूप हो सकता हूँ, सुखरूप हो सकता हूँ, अपनी शक्ति को भूल गया और पर पदार्थों के पीछे भीख मांगता है, लोके न चाह, उनकी चाह करता है, इच्छा करता है, और भिखारी पंच इंद्रिय के विषयों का क्या बना हुआ है, भिखारी बना हुआ है। लोके न चाह निज शक्ति खोए, ये निर्जरा तत्व की भूल, और मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है, शिव रूप निराकुल तान जोए, मोक्ष में इसको निराकुलता नहीं भासती, मोक्ष भी आकुलता रूप भासता है, सुखरूप नहीं भासता, वीतरागता अपना निजात्म स्वरूप को उसको सुखरूप नहीं भासता। क्या करेगा क्या तू मोक्ष में, ये तेरे को यही आत्मा की रुचि नहीं है तो वहां मोक्ष में क्या करेगा, अनंत काल तक वहीं बैठ के करेगा क्या तू, पता तो सही क्या मतलब, मोक्ष तेरे को निराकुलता रूप नहीं भासेगा, जब तक तेरे को अपना आत्मा निराकुलता नहीं लगती, तेरे को अपने स्वरूप में स्थिर होने में निराकुलता नहीं लगती, तो इसका मतलब तेरे को मोक्ष सुखदायक नहीं लगता, निराकुलता नहीं लगती। अनंत काल तक वहां रहना है, रहना है कि रहना है, अनंत काल तक क्या करेंगे वहां पे, कौन से दंद फंद कुछ भी नहीं मिलने वाला करने को, क्या अनंत काल तक अपने निस्वरूप में लीन रहेगा, तो वो निस्वरूप की लीनता के पहले निस्वरूप की रुचि तो उत्पन्न हो इसको। इसलिए छेड़ाला कार ने रत्नत्रय की परिभाषा क्या थी मालूम, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, अपने आत्मा की रुचि वो सम्यक्त है, और आप रूप को जान पनो, अपने आत्म स्वरूप का जानना वो सम्यक ज्ञान है, और आप रूप में लीन रहे, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो, सम्यक चारित्र है। तो आत्म स्वरूप की रुचि उत्पन्न हो, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, आत्म स्वरूप में लीनता हो, इसका नाम रत्नत्रय का, वास्तविक रत्नत्रय, और फिर वो सात तत्व उसके साधन है, तो इसको मोक्ष निराकुलता नहीं लगती, मोक्ष में आकुलता लगती, इसलिए मोक्ष के अंदर से रुचि नहीं होती। यदि सचमुच रुचि हो मोक्ष की और मोक्ष का उद्यम न करे ये संभव ही नहीं, बल्कि 99% लोगों ने तो मोक्ष के अंदर क्या भूल कर रखी कि मोक्ष को वो स्वर्ग जैसा समझते हैं, जैसे अन्य मत वाले वैकुंठ समझते हैं मोक्ष को, वैकुंठ को ही मोक्ष मानते हैं, और वैकुंठ का स्वरूप कैसा बताते हैं देखा आपने कभी, कि वो भगवान बीच में बैठे हुए हैं और चारों ओर नृत्य हो रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही है और एक उनके पांव दबा रही है समझ लो, तो ऐसा मोक्ष किसको नहीं चाहिए। आजकल के युग में ऐसा मोक्ष कौन आदमी पसंद नहीं करेगा, ये मोक्ष का स्वरूप है, पंचेंद्रिय के विषयों की प्रचुरता का नाम मोक्ष नहीं है। अरे संसार, ये जो स्वर्ग का सुख है वो तो इंद्रिय सुख है, वो वास्तव में दुख है, और मोक्ष का सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है, वो वास्तविक सुख है। तो इसको स्वर्ग की और मोक्ष की एक, मतलब स्वर्ग सुख की और मोक्ष सुख की एक जाति मानता है, जबकि दोनों की जाति अलग अलग है, एक तो दुख है और एक क्या है, सुख है, एक सुखाभास है और एक वास्तविक सुख है। लेकिन इसको समझ में नहीं आता, मोक्ष निराकुलता रूप नहीं भासती, और सुख का लक्षण क्या है, जहाँ निराकुलता है वहाँ सुख है, और मोक्ष में चूंकि निराकुलता है इसलिए वह सुखरूप दशा, इसलिए हमें वो चाहिए। तो इस प्रकार से सात तत्व संबंधी भूल ये करता है, और जब तक इसके सात तत्व संबंधी भूल इसके विद्यमान रहती है तब तक पंडित जी कहते हैं कि अभी इसके मिथ्यात्व दूर नहीं होता, और मिथ्यात्व दूर नहीं होता मतलब इसके सुख का मार्ग अभी प्रारंभ नहीं होता, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता। तो ये सात तत्व संबंधी भूल हम सब पक्की मिटे और हम सब सम्यक को प्राप्त करें, इसी भावना से।